हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं 20 से 25 जून यानी चौथे हफ्ते के पार्ट वन के एमसीक्यू कवर करूंगा। मैं कुछ समय के लिए ग्रीष्मावकाश पर गया था, तो पीछे से दो हफ्ते के लिए प्रशांत धवन जी ने हमारे ये वीडियोस करंट अफेयर्स के आप तक लेकर आए थे, तो आपका जो स्नेह उन्हें मिला उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और हमारे जो पेन ड्राइव कोर्सेज हैं यूपीएससी के लिए हमने लॉन्च कर दिया है 2018 के लिए, और 7 जुलाई से हम टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, प्रीलिम्स और मेंस के लिए। इसके अलावा रेलवे, एसएससी, सीजीएल, इस वक्त जो फास्टेस्ट सेलिंग पेन ड्राइव है वो है आईबीपीएस पीओ क्लर्क 2017 के लिए। अगर आप कोई भी पेन ड्राइव लेना चाहते हैं तो आपको 7291059476 पर कॉल करना होगा। तो चलिए शुरू करता हूं, और 5 दिन के क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन है 137, और जो बचे हुए दिन है यानी 26 से मैं समझता हूं जून है तो 30, यानी 5 दिन के 26, 27, 28, 29 और 30, इसके वीडियो मैं आपको 1 जुलाई को ही दे दूंगा, क्योंकि 2 जुलाई को एनआईसीएल का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कर्नाटक की सरकार ने ये कहा है कि किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा, किसानों ने जो लोन लिया है उस पर उन्हें वेवर दे दिया जाएगा, और ये उन्हें स्टेट रन कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस यानी जो सरकारी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन से जो किसानों ने लोन लिया था वो माफ कर दिया जाएगा। इसके लिए ऑफिशियल ऑर्डर उन्होंने दे दिया है। तो कितना लोन माफ करेगी कर्नाटक की सरकार? ये लोन है 50,000 करोड़ रुपए का, 50,000 करोड़, तो याद रखिए। और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, सिद्धरमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इनमें से कौन सा शहर है जो भारत का पहला शहर बना जिसने फ्यूल होम डिलीवरी सर्विस स्टार्ट करी है? और ये माई पेट्रोल पंप नाम का 1 साल पुराना स्टार्टअप है, इसने ये शुरू किया है बेंगलुरु के अंदर। बेंगलुरु जहाँ पे हेडक्वार्टर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी यहाँ पर है, इसलिए इसे साइंस सिटी बोलते हैं, या फिर बेंगलुरु को हम स्पेस सिटी भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इसरो का हेडक्वार्टर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अभी इनमें से कौन सी स्कीम है जिसका स्कोप एक्सटेंड कर दिया है, यानी और भी ज्यादा चीजें इस स्कीम के अंदर शामिल की हैं। यह स्कीम 1995 में शुरू हुई थी, इसको बोलते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन कौन होता है? ओम्बड्समैन वो होता है जो जनता की शिकायतें सुनता है और उनके इंटरेस्ट में काम करता है, और आपसे एक पैसा नहीं लेता, 0 रुपए। और इसको बोलते हैं, इस स्कीम को ओम्बड्समैन बोलते हैं। 1995 में स्टार्ट हुई थी, याद रखिए। टोटल 20 ऑफिस हैं भारत में अभी बैंकिंग ओम्बड्समैन के। एक पोर्टल है, वेब पोर्टल, जिसका नाम है मेरिट। ये हमारे कौन से केंद्रीय मंत्रालय ने लॉन्च करा है? मेरिट। मेरिट की फुल फॉर्म भी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं मेरिट ऑर्डर डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के लिए है, फॉर रिजुवेनेशन ऑफ इनकम एंड ट्रांसपेरेंसी। बहुत लंबी फुल फॉर्म है, मैं रिपीट कर देता हूं फटाफट। मेरिट ऑर्डर डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर रिजुवेनेशन ऑफ इनकम एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता लाने के लिए और इनकम को बढ़ाने के लिए, तो ये किया है हमारे बिजली मंत्रालय ने। सो आंसर है पावर, और हमारे पावर मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। मेघालय राज्य की सरकार ने 2 MOU साइन किए हैं, इनमें से कौन से बैंक के साथ, जिसमें जो गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स हैं वो डिजिटल मोड में हो जाएंगे, उनको डिजिटल करने के लिए, तो ये इन्होंने साइन किए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के साथ, और इनका नाम रखा गया है SBI ePay और दूसरा है SBI CMP। और गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम यानी GRAS के तहत ये किया गया है मेघालय के अंदर। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं मुकुल संगमा, और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, जो असम के गवर्नर भी हैं। इंटरनेशनल विडोज डे यानी अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, जो विधवाओं के लिए होता है, क्योंकि विधवाओं के जो अधिकार हैं, बहुत सारे देश हैं जहां पे विधवाओं को हीन भावना से देखा जाता है, उनको मैरिज भी अलाउड नहीं है दोबारा, तो विडोज डे हम मनाते हैं हर साल किस दिन। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने विधवाओं के लिए एक वर्ड दिया है, उनको कहते हैं इनविजिबल वुमेन, यानी ये वो वुमेन है जो नजर नहीं आती, इनका दुख लोगों को नजर नहीं आता। 23 जून इनके लिए हमने रखा है। इनमें से कौन सा शहर है जो भारत का पहला शहर बना है जिसने एक रोबोट बनाया है जो ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा? ये देखिए, यानी एक पुलिस ऑफिसर की जगह अब ये रोबोट है जो जिसपे लाइटें भी लगी हैं, ट्रैफिक को भी कंट्रोल करेगा, ऐसा करने वाला पहला शहर है इंदौर। इंदौर, और इंदौर के बारे में एक चीज़ याद रखिए, ये भारत का सबसे साफ सुथरा शहर है। जो स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग थे उनमें भारत का सबसे साफ सुथरा शहर आया था इंदौर, और सबसे गंदा भारत का शहर है गोंडा, जो कि है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये दोनों शहर याद रखिए, इंदौर है सबसे साफ सुथरा और गोंडा है सबसे गंदा। अगला सवाल है ओला। ओला जो कंपनी है, टैक्सी एग्रीगेटर कंपनी है, ओला और उबर, दोनों में काफ़ी कॉम्पिटिशन है, और
उबेर के जो सीईओ हैं वो हैं ट्रेविस कलानिक, जो भारत भी आए थे थोड़े समय पहले, ये क्वेश्चन काफी आ रहा है एग्जाम में, और ओला के हैं भावेश अग्रवाल। दोनों के नाम याद रखिए, ओला वर्सेस उबर। तो ओला ने इनमें से कौन से राज्य के साथ हाथ मिलाया है, ये 20,000 युवाओं को ट्रेनिंग देगा 5 सालों में माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के तौर पर ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के अंदर। ये राज्य है महाराष्ट्र, और स्किल डेवलपमेंट के लिए ये किया गया है, प्रमोद महाजन कौशल्य विकास योजना के तहत ये ट्रेनिंग दी जाएगी। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सी विद्यासागर राव, सी विद्यासागर राव तमिलनाडु के गवर्नर भी हैं, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, गठबंधन सरकार है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी, इन्होंने अभी अभी आधारशिला रखी एक ग्रीनफील्ड नो फ्रिल्स एयरपोर्ट एट ओरावल, ओरवाकल, ओरवाकल के अंदर एक एयरपोर्ट बनेगा, ग्रीनफील्ड नो फ्रिल्स एयरपोर्ट। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, कौन से जिले के अंदर है ओरवाकल? ओरवाकल है कुरनूल के अंदर, कुरनूल के अंदर आंध्र प्रदेश में। 1,000 एकड़ के ऊपर ये बनेगा, 90 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें आएगा। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, जितने भी भारत के राज्य हैं उनका जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है वो 2016 फिस्कल के अंदर कितना अमाउंट हो गया, आरबीआई की ये रिपोर्ट आई है, हैंडबुक ऑफ स्टेटिस्टिक्स ऑन स्टेट्स 2016-17, इसके हिसाब से जो टोटल फिस्कल डेफिसिट है स्टेट्स का सारे मिला के वो है 4,93,360 करोड़। और ये आप देख सकते हैं कितना बढ़ गया है, 1991 में जब हमने लिबरलाइजेशन किया था, इकोनॉमी को उदार बनाया था, तब ये था 18,790 करोड़, और ये फाइनेंशियल ईयर 2017 में ऐसा प्रोजेक्शन है कि ये 4,49,000 करोड़ तक पहुंच सकता है, यानी इंप्रूव हो सकता है। अभी तो बहुत ज़्यादा है ये डेफिसिट, तो ये इंप्रूव हो सकता है थोड़ा सा फिस्कल ईयर 2017 में। और दो राज्य हैं जिनका सबसे ज़्यादा है, पहला है राजस्थान और दूसरा है उत्तर प्रदेश। इंडिया पोस्ट, इंडिया पोस्ट ने अभी अभी एक डाक टिकट लॉन्च करी है, इनमें से कौन से एक्ट को यादगार बनाने के लिए। इंडिया पोस्ट ने अपना पेमेंट बैंक भी खोला हुआ है, ये भारत का पहला सरकारी पेमेंट बैंक है। तो ये एक्ट है पासपोर्ट एक्ट 1967, इसको यादगार बनाने के लिए इन्होंने एक डाक टिकट लॉन्च करी है, क्योंकि इस एक्ट के 1967 में हुई थी ये पासपोर्ट एक्ट, तो इसके 50 साल पूरे हो गए हैं। और सुषमा स्वराज जी ने यह भी अनाउंस करा, अगर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, आपकी उम्र 8 साल से कम है या 60 साल से ज्यादा है, तो आपको 10% डिस्काउंट भी दिया जाएगा, और पासपोर्ट अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध होगा। इनमें से कितने मेडल हैं जो भारत ने जीते ब्रिक्स वुशू कॉम्पिटिशन जो गुआंगझाऊ चाइना के अंदर हुआ था। ब्रिक्स में 5 देश आते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स। ब्रिक्स का अपना बैंक भी है जिसे बोलते हैं ब्रिक्स बैंक या एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। इसके प्रेसिडेंट एक भारतीय है जिनका नाम है केवी कामत, और ब्रिक्स ने कॉम्पिटिशन करवाया था, भारत ने इसमें जीते 6 मेडल। सो आंसर है इसका 6। इसके अंदर हमने गोल्ड मेडल जीता, 2 खिलाड़ियों ने, ज्ञान दास और अंजुल नामदेव, तो दोनों के नाम याद रखना चाहिए तो रख सकते हैं, वरना ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो ब्रिक्स इज द आंसर। और जो ब्रिक्स गेम्स हुए थे इसमें याद रखिए, वॉलीबॉल के अंदर रशिया फर्स्ट आया, बास्केटबॉल में रशिया फर्स्ट आया, तो ये दोनों भी आप याद रख सकते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इनमें से किस व्यक्ति को इंटरनेशनल डब्लिन लिटरेरी अवार्ड दिया गया, इनकी नॉवल इन्होंने लिखी है अ जनरल थियोरी ऑफ ओब्लिवियन, इसके लिए इन्हें मिला इंटरनेशनल डब्लिन इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड। और ये डब्लिन जो है ये आयरलैंड की राजधानी है, आयरलैंड। इनका नाम है, ये अंगोला से हैं वैसे, इनका नाम है जोजे एडुआर्डो अगालुसा। सो आंसर है जोजे एडुआर्डो अगुआलुसा, अंगोला से हैं ये, याद रखिए। इस किताब को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया है डैनियल हाहन द्वारा, ये याद रखिए, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज है किसी भी एक नॉवल के लिए, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डब्लिन लिटरेरी अवार्ड। इनमें से एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजिस्ट कौन से हैं जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट अवार्ड दिया है 2017 के लिए जापान के अंदर, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजिस्ट। माइक्रोबायोलॉजिस्ट उसे कहते हैं जो सूक्ष्म जीवों के ऊपर काम करता है, उन्हें पढ़ता है, तो कृषि के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं उन पर काम करने के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। इनका नाम है श्री हरि चंद्र घाटगी, और ये इको साइकिल कॉरपोरेशन नाम की कंपनी है, उसके प्रेसिडेंट और सीईओ हैं, और ये कर्नाटक से हैं। हमारे कृषि मंत्री हैं वैसे राधा मोहन सिंह। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए का जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है वो होंगे रामनाथ कोविंद, इन्होंने अपने बिहार के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया है। अब बिहार में गवर्नर का जो पद है वो किसको दिया गया है, एडिशनल चार्ज किसे दिया गया है, ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर है केसरी नाथ त्रिपाठी।
अब ये बंगाल का भी कार्यभार संभालेंगे। और रामनाथ कोविंद हैं एनडीए की तरफ से, और कांग्रेस यानी यूपीए की तरफ से हैं मीरा कुमार जो बाबू जगजीवन राम की बेटी हैं, लोकसभा स्पीकर रह चुकी हैं मीरा कुमार। इनमें से वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल, ये आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल इवेंट हुआ सुहल जर्मनी के अंदर, तो गोल्ड मेडल किसने जीता? भारतीय हैं, इनका नाम आपको बताना है, इन्होंने जीता, इनका नाम है यशस्विनी सिंह देसवाल। और एक चीज और याद रखिए, एक मेडल और याद रखना है बस आपको, मेन्स का 25 मीटर पिस्टल इवेंट था, उसमें जीता है अनीश भानवाला। तो अनीश भानवाला और इनका नाम है यशस्विनी सिंह देसवाल। प्रणब मुखर्जी जी, उन्होंने अभी, उनको किताब मिली, इसकी पहली प्रति मिली, जिसका नाम है गरुड़ पुराण। इस गरुड़ पुराण को किसने पब्लिश किया है, इसके पब्लिशर कौन है? इसको पब्लिश करा है ऑल इंडिया काशी राज ट्रस्ट ने। और ये जो किताब है, ये जो ट्रस्ट है, ये इनॉग्रेट किया था भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने 9 कैटेगरीज के अंदर अभी अवार्ड जीते, स्कॉच अवार्ड्स? तो 9 कैटेगरीज के अंदर अवार्ड जीतने वाला ये बैंक है। इसके चेयरमैन है, स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन है समीर कोचर, और इस बैंक के सीईओ हैं किशोर कुमार संसी, और इस बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। अब आप इसका नाम बता सकते हैं, विजया बैंक। मैं रिपीट करता हूं, इस बैंक के सीईओ कौन है? किशोर कुमार संसी। भारत के कौन से बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया? ये मैन सिंगल सुपर सीरीज टाइटल है, और इतना ही नहीं, जीता ही नहीं बल्कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट चैन लॉन्ग को हरा दिया, जिन्हें बैडमिंटन का गॉड एक तरह से कहा जाता है। इनका नाम है किदंबी श्रीकांत। ओलंपिक चैंपियन को हरा दिया चैन लॉन्ग को, और ये इनका चौथा सुपर सीरीज टाइटल है, और एक हफ्ते में दूसरा इनका टाइटल है ये। तो याद रखिए, किदंबी श्रीकांत पुलेला गोपीचंद के ये स्टूडेंट है। इनमें से सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस, वहां का युवराज कौन होगा, वो किसे घोषित किया गया है? इनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरेबिया की राजधानी है रियाद, और करेंसी है रियाल। रियाल मुद्रा है और रियाद करेंसी है। सऊदी अरेबिया भी अभी न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि मिडल ईस्ट में तीन ताकतवर देश हैं, एक सऊदी अरेबिया, एक ईरान और एक कतर। तो कतर से रिश्ते इन्होंने तोड़ दिए, इन्होंने नहीं और बहुत सारे देशों ने मिलकर तोड़े हैं, कतर से रिश्ते तोड़ दिए। तो मोहम्मद बिन सलमान है वहां के नए युवराज। नासा का एक टेलीस्कोप है, कौन सा टेलीस्कोप है जिसने 219 नए प्लैनेट्स डिस्कवर करे हैं, जो प्लैनेट्स के कैंडिडेट हो सकते हैं? अभी तो प्लैनेट हमारे 8 ही हैं, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा कोई हो तो हम उसे प्लैनेट बोल सकते हैं। तो ये कैंडिडेट हैं, यानी ये प्लैनेट हम इन्हें नेम कर सकते हैं आगे जाके। 219 डिस्कवर किए हैं नासा के कौन से टेलीस्कोप ने, इसका नाम है कीपलर स्पेस टेलीस्कोप। और टोटल प्लैनेट याद रखिए जो केपलर ने अभी तक डिस्कवर करे हैं वो हैं 4034, और उनमें से 2335 प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनको एग्जोप्लैनेट घोषित कर दिया गया है। एग्जोप्लैनेट, नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, अमेरिका की राजधानी में, और वॉशिंगटन डीसी में ही हेडक्वार्टर है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का और वर्ल्ड बैंक का। स्टार्टअप इंडिया वर्चुअल हब, ये अभी अभी लॉन्च करा कौन से हमारे मंत्री ने? स्टार्टअप इंडिया वर्चुअल हब, ये जो स्टार्टअप्स हैं भारत में उनको मदद करेगा। भारत में रोज कम से कम 3 से 4 नए बिजनेस शुरू हो रहे हैं, 3 से 4 स्टार्टअप्स हो रहे हैं। तो ये जो हब है ये एक नोडल एजेंसी का काम करेगा, और ये करा हमारी कॉमर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने। इलेक्शन कमीशन ने अभी अभी इनमें से किस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर दिया कि ये अगले 3 साल तक किसी भी राज्य से कोई भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकता? तो ये कौन व्यक्ति है? इसका नाम है नरोत्तम मिश्रा, क्योंकि इन्होंने अपने अकाउंट्स उनमें हेराफेरी करी, जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन को सबमिट करे उसमें इन्होंने जो इलेक्शन पे खर्चा हुआ वो गलत दिखाया, और ये मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं याद रखिए। अब ये चुनाव नहीं लड़ सकते अगले 3 साल तक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स, ये सेटअप करेगा CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, कहां पे बनेगा? यानी कि जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड नए उद्योग शुरू हो रहे हैं उनके लिए होगा अटल इंक्यूबेशन सेंटर, और इसको लगाया जाएगा नीति आयोग के द्वारा हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद जो तेलंगाना की राजधानी है, और नीति आयोग याद रखिए इसमें 3 व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो सीईओ जो है अमिताभ कांत, एक होते हैं चेयरमैन जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, एक्स ऑफिशियो होते हैं यानी जो भी भारत का प्रधानमंत्री होता है ऑटोमेटिकली नीति आयोग का वो चेयरमैन होता है, और वाइस चेयरमैन है अरविंद पंगरिया। इसमें जो सरकार है वो 10 करोड़ रुपए के फंड देगी स्टार्टअप्स को
अगले 5 साल के अंदर। हाइक मैसेंजर, इन्होंने कौन से बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, ये अब एक इन ऐप पेमेंट फीचर लॉन्च करेंगे। हाइक मैसेंजर, ये बैंक है यस बैंक, यस बैंक जिसके जो सीईओ हैं वो है राणा कपूर, हेडक्वार्टर मुंबई में है, और जो हाइक मैसेंजर है इसके सीईओ हैं कविन मित्तल, कविन भारती मित्तल इनका नाम है, हाइक मैसेंजर के ये हैं सीईओ। कितने ऐसे शहर हैं जिन्हें रैंक किया जाएगा सिटी लिवेबिलिटी इंडेक्स में, यानी कौन सा भारत का शहर रहने के लिए कितना अच्छा है उसको बोलेंगे सिटी लिवेबिलिटी इंडेक्स। और हमारा जो अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय है जिसके हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं वेंकैया नायडू, और इतना ही नहीं हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं वेंकैया नायडू। तो कितने भारत के शहर हैं जिन्हें रैंक किया जाएगा, टोटल हैं 116, और इसमें 500 करोड़ रुपए सहायता भी दी जाएगी 16 राज्यों को जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, याद रखिए। और 2016-2017 में ये रैंकिंग जो थी इसमें पहला था आंध्र प्रदेश, दूसरा था ओडिशा और तीसरा था झारखंड। तो ये भी आपको याद रखना है, अर्बन रिफॉर्म्स जिस राज्य जो राज्य जितना अच्छा करेगा उसको पैसा भी दिया जाएगा। ये पहला इंडेक्स है, इसमें 79 टोटल पैरामीटर हैं जिन पे राज्य को जज किया जाएगा और शहर हैं टोटल 116। 23वां एनुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे हुआ, ये करवाया मर्सर ने। इसके हिसाब से भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है विदेशियों के लिए, यानी वो विदेशी लोग जिन्हें एक्सपेट्रिएट्स बोलते हैं जो भारत में रह रहे हैं, उनके हिसाब से भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है। पूरी दुनिया में इसकी रैंक है 57 और भारत में रैंक 1 ये है मुंबई, भारत का सबसे महंगा। और याद रखिए पूरी दुनिया में सबसे महंगा है लुआंडा, लुआंडा जो कि अंगोला के अंदर है, सबसे महंगा शहर है दुनिया का। दूसरे नंबर पे है हांगकांग और तीसरे नंबर पे है टोक्यो। ये सिर्फ महंगा विदेशियों के लिए है, ये भी याद रखना है। 3 नए मेंबर ये आरबीआई ने अपनी ओवरसींग कमेटी के अंदर ऐड करे हैं, आरबीआई की ओवरसींग कमेटी। अब आपको ये बताना है इनमें से वो कौन नहीं है, तो YM देजोस्थली ये हैं, MBN राव और S रमन, विमल जैन नहीं है, सो आंसर है A। और 5 मेंबर अब हो गए हैं, प्रदीप कुमार भी हैं, 3 तो ये हो गए, एक है प्रदीप कुमार, और प्रदीप कुमार चेयरमैन भी हैं, और एक है जानकी बल्लव। तो ओवरसींग कमेटी के चेयरमैन कौन है, प्रदीप कुमार। पंजाब का राज्य का जो बजट है अभी प्रस्तुत किया गया, टोटल 1.1 लाख करोड़ का बजट था फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए, ये किसने प्रेजेंट किया ये बताइए, ये प्रेजेंट करा मनप्रीत बादल ने, मनप्रीत बादल ने, और पंजाब के मुख्यमंत्री आप इनकी फोटो देख सकते हैं यहाँ पे, कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के गवर्नर हैं VP सिंह बदनौर। और बजट में कई चीज़ें की गई हैं, जैसे लड़कियों के लिए फ्री एजुकेशन होगी गवर्नमेंट स्कूल्स में और कॉलेजेस में, नर्सरी से लेकर PhD तक, याद रखिए पंजाब में अब लड़कियों की फ्री एजुकेशन है सरकारी स्कूलों के अंदर। इसके अलावा लोन भी उस पर छूट दी जाएगी, 2 लाख रुपए तक की छूट दी जाएगी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को जिनके पास 5 एकड़ तक यानी जमीन है, और एक फ्लैट भी दिया जाएगा, एक फ्लैट जिनके पास है और 5 एकड़ तक की जमीन है, और इसके अलावा 2 लाख रुपए का रिलीफ दिया जाएगा जितने भी मार्जिनल फार्मर हैं सबको। तो ये इस तरह के कुछ प्रोविजन उठाए हैं किसानों के लिए, क्योंकि किसानों की काफ़ी आत्महत्या हो रही है पंजाब के अंदर, जबकि पंजाब में पंजाब के अंदर अश्योर्ड इरीगेशन 95% से ज़्यादा है, यानी पानी की कोई कमी नहीं है, फिर भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। टाटा ग्रुप इनमें से कौन सी ऑनलाइन ग्रोसरी कंपनी को खरीद रहे हैं क्योंकि वो ऑनलाइन ग्रोसरी बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो टाटा ग्रुप ने अभी अभी खरीदी है ग्रोसर मैक्स नाम की कंपनी, ग्रोसर मैक्स। और एक चीज और याद रखिए, एक जॉइंट वेंचर है टाटा और टेस्को के बीच में, यानी टाटा और टेस्को नाम की जो कंपनी है दोनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर किया हुआ है जिसका नाम है ट्रेंट हाइपरमार्केट। ट्रेंट ये एक हाइपरमार्केट है, तो इसका भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिश करने में ये इनका मूव हेल्प करेगा, तो बस इतना याद रख सकते हैं ग्रोसर मैक्स। इनमें से कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने महात्मा गांधी जी के 100 volumes ऑफ कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी ये पार्लियामेंट लाइब्रेरी में प्रेजेंट करे, यानी कि जो हमारी संसद है उसके अंदर एक लाइब्रेरी है उसमें महात्मा गांधी जी के 100 एक तरह से किताबें वहां पे उन्होंने प्रेजेंट करी, तो इनका नाम है वेंकैया नायडू, ये सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं। कार्ला फेंडी, इनका भी अभी निधन हो गया, ये फैशन की दुनिया से इनका रिश्ता था, और आपको ये बताना है ये कौन से देश की थी, ये थी इटली की, और लेदर बिजनेस, लग्जरी शूज बैग्स वगैरह का इनका बिजनेस था, बहुत ही फैशन में इनका नाम था कार्ला फेंडी। प्रधिमान कृष्ण काओ, इनका निधन हो गया,
ये क्या थे बहुत मशहूर? ये थे बहुत मशहूर फिजिसिस्ट, फिजिक्स के ये बहुत बड़े ज्ञानी थे, और जो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी कैसे बनती है उस पर इनका बहुत अच्छा रिसर्च था। इतना ही नहीं, जिसे बोलते हैं IPR यानी इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, जो गांधीनगर गुजरात में है, उसके ये फाउंडर भी थे, पद्मश्री से सम्मानित थे। सरकार ने अभी अभी जो बैंक हैं और पोस्ट ऑफिस हैं उन्हें ये कहा है कि जो डीमोनिटाइज नोट हैं, यानी जो 500,000 के नोट पिछले साल बंद कर दिए गए थे, वो RBI को सबमिट करने हैं, तो उसके लिए डेडलाइन क्या दी है बैंक्स को? ये डेडलाइन है 20 जुलाई। विमुद्रीकरण किया गया था 8 नवंबर को। गवर्नमेंट ने अभी अभी अपना कितना परसेंट हिस्सा, याद रखिए लार्सन एंड टूब्रो नाम की कंपनी है LNT, इसमें सरकार ने अपना कितना हिस्सा अभी अभी बेचा है? 4,158 करोड़ रुपए में गवर्नमेंट ने बेचा है 2.5% हिस्सा, और जो खरीदा है वो खरीदा है LIC ने, GIC ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने और NIA ने। इससे पहले 6.7% स्टेक था सरकार का LNT के अंदर। हमारा जो केंद्र सरकार है उसने अभी अभी एक सर्विस शुरू करी है जिसका नाम है INMMS। ये हमारी कौन सी सेना में से या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में से मटेरियल एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगी, यानी कि जो भी मटेरियल यूज होता है उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगी, उसकी मैनेजमेंट में हेल्प करेगी ये सर्विस। इसका नाम है INMMS, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेवल मटेरियल मैनेजमेंट सर्विस। तो नेवल यानी नेवी, यानी हमारी जल सेना, सो आंसर है नेवी। अब आपके लिए आज का पहला सवाल, हमारे नेवी के चीफ कौन है? उनका नाम कमेंट्स में लिख के बताइए। पहले थे रोबिन धवन, उसके बाद इन्होंने इनसे टेक ओवर किया था, और इनका पहला नाम है S, दूसरा है L। तो कमेंट्स में लिख के बताइए इनका नाम क्या है। भारतीय मूल के वो कौन से डॉक्टर हैं जिन्हें ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन का ऑनररी वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है? भारतीय मूल के हैं और इनका नाम है कैलाश चंद। एक और चीज, इनको ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से भी सम्मानित किया जा चुका है, शिमला में इनका जन्म हुआ था भारत के अंदर। अमेरिका के नए राजदूत भारत के अंदर किन्हें नियुक्त किया गया है? भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं बहुत अच्छे हैं, और नरेंद्र मोदी जी अभी अमेरिका गए हुए हैं, आज वो अमेरिका से नेदरलैंड जाएंगे, तीन देशों की यात्रा पर वो गए हैं, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। इनका नाम है केनेथ जस्टर, ये रिप्लेस करेंगे मिस्टर रिचर्ड मरमैफ को, जो इससे पहले अमेरिका के राजदूत थे भारत में। यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? हर साल, UNPSD, हर साल। सबसे पहली अवार्ड सेरेमनी हुई थी इसकी 2003 में, ये होता है 23 जून को। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, ये हमें लोन दे रहा है $275 मिलियन का, क्योंकि एक पाइप्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट बनेगा, पाइप बिछाए जाएंगे 64 छोटे शहरों में, इनमें से कौन से राज्यों में? तो इसमें 300,000 घर हैं जो इसका फायदा उठाएंगे, और राज्य भी खर्च करेगा $124 मिलियन और 275 देगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो टोटल मतलब $400 मिलियन का प्रोजेक्ट है ये, मध्य प्रदेश सरकार का ये प्रोजेक्ट है। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं ओम प्रकाश कोहली। इतना ही नहीं, दो ऐसे मध्य प्रदेश के पुराने टाउन है, हेरिटेज टाउन जिन्हें कहते हैं, सांस्कृतिक टाउन, एक है खजुराहो और दूसरा है राजनगर, वहां पे भी स्टॉर्म वाटर और सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, यानी जो ड्रेन्स होते हैं, सीवर होते हैं, उन्हें मजबूत किया जाएगा। इनमें से कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने सनटेक नाम की कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी है? अब ये दोनों मिलकर GST कंप्लायंट डेबिट टैक्स और क्रेडिट टैक्स, इनकी कंप्यूटिंग यानी इनको कैलकुलेट करना और इनकी इनवॉइसिंग यानी बिलिंग करना, उसमें फैसिलिटेट करेंगे। तो इसके लिए सनटेक के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है, इसका नाम है IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस। वो आयुर्वेद के मशहूर डॉक्टर कौन है जिन्हें आयुष मिनिस्ट्री द्वारा स्पेशल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है? आयुष हमारी जो मिनिस्ट्री है, ये 5 हमारी पुरानी मेडिसिन के लिए है, ए से आयुर्वेद, वाई से योगा, यू से उनानी, और ये उनानी है ये हमारी साउथ इंडिया की एक ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी। तो ये 5 हैं, इसके लिए आयुष मंत्रालय है और आयुष मिनिस्टर हैं श्रीपद येसो नायक। तो इनका नाम याद रखिए, श्रीपद येसो नायक। और आयुष मिनिस्ट्री अभी भी न्यूज में इसलिए आई थी क्योंकि योगा दिवस मनाया गया था भारत के अंदर धूमधाम से, तो इसलिए भी ये न्यूज में आई थी। तो ये डॉक्टर हैं राजेश कोटेचा, 3 साल के लिए इनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये पोजीशन दी गई है।
इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की शाखा है या ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट एकमात्र तरीका है अगर हम कोरल रीफ्स को पूरी दुनिया में बचाना चाहते हैं तो, क्योंकि ऐसा देखा गया है कोरल ब्लीचिंग हो रही है, समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, इस वजह से कोरल ब्लीचिंग हो रही है, कोरल रीफ डिस्ट्रॉय हो रही है, बड़ी बड़ी कोरल रीफ जैसे ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ये सब डिस्ट्रॉय हो रही है, तो पेरिस एग्रीमेंट से अमरीका ने विदड्रॉ कर लिया। COP21 हम इसे कहते हैं, कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 जो पेरिस के अंदर हुई थी, और ये किसने कहा है कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट एकमात्र तरीका है कोरल रीफ को सेव करने का, ये कहा है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को ने, यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी पेरिस के अंदर है। तो योगा दिवस भारत में धूमधाम से मनाया गया 21 जून को, आप बताइए इसका थीम क्या था इस बार, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो 21 जून को मनाया गया इसका थीम था योगा फॉर हेल्थ, सिंपल हेल्थ के लिए योगा करिए। और एक और बात, 8000 स्कूल के बच्चों ने एक साथ योगा कर किया, मैसूरू पैलेस मैसूर के अंदर जो सबसे लंबा योगा चेन बना, उन्होंने एक चेन बनाई, इसका मेन इवेंट इस बार हुआ था लखनऊ के अंदर। लॉर्ड जगन्नाथ रथ यात्रा, ये जगन्नाथ यात्रा जो शुरू हो गई, हर साल होती है, कौन से राज्य में शुरू हुई, तो ये यात्रा होती है ओडिशा के अंदर। और याद रखिए जो एंड ऑफ यात्रा होता है इसे हम कहते हैं रिटर्न कार्ड फेस्टिवल, यानी जब यात्रा वापस आती है हम उसे बहुदा यात्रा भी कहते हैं, उड़ीसा के अंदर ये होती है, और ये दूसरे दिन होती है शुक्ल पक्ष ऑफ असाध, जो तीसरा महीना होता है उसके दूसरे दिन होती है। उड़ीसा के गवर्नर है डॉक्टर एस सी जामिर, ये बहुत कम लोगों को पता होता है उड़ीसा के गवर्नर कौन है, और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो है नवीन पटनायक, ये बीजेडी पार्टी है बीजू जनता दल उसके हैं। इनमें से कैनेडा की जो जुडिशरी है, वहां की जो न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें पहली टर्बंड सिख कौन है जिन्हें अपॉइंट किया गया है, यानी वो महिला जो पगड़ी पहनती है ऐसी पहली वहां की टर्बंड सिख बनी है जिन्हें जुडिशरी के अंदर जगह मिली है कैनेडा के अंदर। इनका नाम है पलबिंदर कौर शेरगिल, पलबिंदर कौर शेरगिल। और याद रखिए कैनेडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं जस्टिन ट्रूडियो। कैनेडा की राजधानी है ओटावा, और अमेरिका बहुत अच्छा दोस्त है कैनेडा का, नॉर्थ अमेरिका के अंदर है क्योंकि दोनों नॉर्थ अमेरिका में तीन देश आते हैं, कैनेडा, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और तीसरा है मैक्सिको। NCERT किसको बोलते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, उसे बोलते हैं NCERT। इसके हिसाब से हमारी इकोनॉमी कितने परसेंट ग्रो करेगी करंट फिस्कल में, करंट फिस्कल में पहले इन्होंने कहा था हम ग्रो करेंगे 7.3%, अब ये बोल रहे हैं हम ग्रो करेंगे 7.6%। और इतना ही नहीं, इस फिस्कल यानी 2017-18 में हमारा जो WPI इन्फ्लेशन होगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, वो होगा 6.7%। एक बात और याद रखिए, जो प्रेसिडेंट हैं NCERT के वो हैं नंदन निलेकनी, नंदन निलेकनी। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है माई प्लांट क्या करेगा, ये जितने भी ट्री प्लांटेशन है, जो पेड़ों का नंबर वगैरह है, उसका पूरा डेटा रखेगा। और महाराष्ट्र के जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं सुधीर मुंगतीवार, उन्होंने ये लॉन्च करी, और महाराष्ट्र ने टारगेट भी रखा है कि हम पब्लिक की मदद से 1 जुलाई से 7 जुलाई यानी सिर्फ 7 दिनों में 4 करोड़ पौधे लगाएंगे महाराष्ट्र के अंदर, ये महाराष्ट्र ने टारगेट रखा है। तो आंसर है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मैं बता चुका हूं देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर सी विद्यासागर राव। भारत इनमें से कितने अनमैन्ड गार्डियन ड्रोन्स खरीदेगा अमेरिका से, अनमैन्ड मतलब होता है ये ऐसे विमान है जिनमें पायलट की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये स्वचलित हैं या इनको मशीनों से चलाया जाता है जैसे ड्रोन्स होते हैं। तो अनमैन्ड गार्डियन ड्रोन्स अमेरिका से हम खरीदेंगे 22 टोटल, और इनकी लागत होगी 2 से 3 बिलियन के बीच में, यानी कि लगभग 13,000 से लेके 19,000 करोड़ के बीच में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो हमारा आयकर विभाग है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसने अभी अभी नोटिफिकेशन दिया है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसके जो प्रोविजंस हैं ऑपरेशनलाइज किए जाएंगे, उसके लिए नए रूल्स बनाए हैं इन्होंने, CBDT ने, ये इन्होंने किया है सेकेंडरी एडजस्टमेंट के लिए। और फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017 इसने इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी एडजस्टमेंट, फाइनेंस एक्ट, और ये 2017 की थी तो बहुत पुरानी नहीं है। आप बस सेकेंडरी एडजस्टमेंट के बारे में एक चीज याद रख लीजिए, इसमें जो टाइम लिमिट है वो 90 दिन है, बस इतना याद रख लीजिए। इनमें से भारत का कौन सा मंत्रालय है जिसने एक डेडिकेटेड वेब पेज यानी एक वेबसाइट बनाई है जो अगर GST से रिलेटेड कोई भी शिकायतें हैं वो सुनी जाएंगी, ये किया है IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ने,
जिसे बोलते हैं डीटी, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, शॉर्ट में डीटी बोलते हैं इसे। और हमारे जो सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मंत्री हैं वो हैं रविशंकर प्रसाद। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी अभी रिलीज करी रिपोर्ट, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2017, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। इसके हिसाब से इन्होंने ये कहा है कि पूरी दुनिया में लगभग 3 करोड़ लोग ऐसे हैं, याद रखिए लगभग 3 करोड़ एडल्ट्स ऐसे हैं जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, और सबसे जो खतरनाक ड्रग है वो है ओपियोइड्स, ये भी याद रखिए। एक और बात इन्होंने ये भी कहा है कि हेपेटाइटिस सी ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है लगभग 12 मिलियन लोगों को जो ड्रग्स लेते हैं, हेपेटाइटिस सी। ये रिपोर्ट दी है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने, UNODC। इनमें से कौन सा फैशन ब्रांड है या फैशन लेबल है जिसने कंपैशनेट बिजनेस अवार्ड जीता पेटा द्वारा, यानी पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, यानी कि ये ब्रांड जो है ये जानवरों का गलत इस्तेमाल नहीं करता, तो ये किया रेसॉन ने। और याद रखिए रेसॉन की ब्रांड एम्बेसडर हैं सोनम कपूर और रिया कपूर, और सोनम कपूर को हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी का अवार्ड भी दिया गया 2016 के लिए। पहली बार इनमें से कौन से देश ने एक ऐसी ट्रेन बनाई है जो वर्चुअल ट्रैक्स पे चलेगी सेंसर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, कहने का मतलब पटरियों की जरूरत नहीं है, और पटरियों की जरूरत नहीं है, सेंसर्स लगाए जाएंगे जिससे ये वर्चुअल ट्रैक होंगे उन्हीं पे ट्रेन चला करेगी, यानी अपनी दिशा ही नहीं होगी। ये किया चाइना ने, और चाइना ने इसको नाम दिया ART, यानी कि ऑटोनोमस रेल रैपिड ट्रांजिट, यानी कि ART। और ये ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चल सकती है, 300 पैसेंजर ही इसमें आ सकते हैं। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने लॉन्च करा मुखबिर योजना, यानी इंफॉर्मेशन स्कीम फीमेल फिटिसाइड रोकने के लिए, कहने का मतलब इसमें हेल्पलाइन नंबर है 181 वुमेन हेल्पलाइन लॉन्च किया गया, और 64 रेस्क्यू वैन्स भी हैं, अगर कहीं पे आप फॉर एग्जांपल फीमेल फिटिसाइड को देखते हैं तो आप हेल्पलाइन पे बता सकते हैं। मुखबिर योजना इन्फॉर्मर स्कीम लॉन्च करी अभी अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश। और मणिपुर ने भी 181 ये वुमेन हेल्पलाइन लॉन्च करी है, जो पहली बार मणिपुर के इतिहास में की गई है। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं राम नायक और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। फेत देला म्यूजिक, या जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड म्यूजिक डे 2017, तो हर साल हम किस दिन मनाते हैं, ये हम मनाते हैं समर सोलिस्टिस को मनाने के लिए। समर सोलिस्टिस मतलब समर्स का वो दिन जिस दिन दिन और रात में फर्क सबसे ज्यादा होता है, उसको बोलते हैं समर सोलिस्टिस, और जिस दिन बिल्कुल दिन और रात इक्वल होते हैं उसे बोलते हैं इक्विनॉक्स। ये आपने कंसेप्ट पढ़े होंगे। ये 1982 में स्टार्ट किया था फ्रांस ने, 120 देशों ने फिर इसे अपना लिया। जून 21 को मनाया जाता है वर्ल्ड म्यूजिक डे। इनमें से किस व्यक्ति को मिला है क्वींस यंग्स लीडर अवार्ड, और ये अवार्ड इन्हें मिला क्योंकि इन्होंने भुखमरी से बचाने के लिए समाज में काफी काम किया है। इनका नाम है अंकित क्वात्रा, अंकित क्वात्रा। इनमें से किसे भारत का नया होम सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है, ये रिप्लेस करेंगे राजीव महर्षि को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजीव महर्षि हमारे होम मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, और 17 ऑफिसर हैं जिन्हें रीशफल किया गया है, ये भी याद रखिए। सारे नाम याद नहीं रखने, लेकिन होम सेक्रेटरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब नए हैं राजीव गाबा। इनमें से कौन सा शहर है भारत का जिसने 30 स्मार्ट सिटीज की जो लिस्ट है उसे टॉप किया है, गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत ये अनाउंस किया है, तो इसमें नंबर 1 है तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी है ये, और यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट आई है 57,393 करोड़ रुपए की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 90 जो सिटीज हैं वो स्मार्ट सिटी बनेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 191,155 करोड़, यानी लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी, तो 90 का टारगेट है। वैसे 30 स्मार्ट सिटीज में टॉप किया है तिरुवनंतपुरम ने, और जो गवर्नर हैं केरल के वो हैं पी सताशिवम, ये भी याद रखिए पी सताशिवम, और केरल के मुख्यमंत्री हैं CPIM पार्टी के पिनरई विजयन। भारत ने अभी अभी संशोधन किया बाइलेटरल सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट में, कौन से देश के साथ, इसमें इंक्लूड किया गया है कंट्री ऑफ रेजिडेंस प्रिंसिपल, ये देश है नेदरलैंड। नेदरलैंड वही देश है जहां आज नरेंद्र मोदी जी गए हुए हैं, और भारत ने इतना ही नहीं एक MOU भी साइन किया है नेदरलैंड के साथ वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी जल संसाधन को मैनेज करने के लिए। तो टोटल भारत के लगभग 18 कंट्रीज के साथ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। उड़ीसा की सरकार ने अभी अभी अप्रूव की
कितने अर्बन प्रोजेक्ट्स, टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 538 करोड़ रुपए, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कहने का मतलब जो हमारे शहर हैं उनका नवीनीकरण किया जाएगा, उनका आधुनिकरण किया जाएगा अटल योजना के तहत, अटल मिशन, इसको बोलते हैं अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, 538 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उड़ीसा के अंदर 53 प्रोजेक्ट होंगे टोटल अर्बन प्रोजेक्ट्स। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे हम किस दिन मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे देशों में इस वक्त वॉर चल रही है, अफगानिस्तान में देख लीजिए, इराक में देख लीजिए, यमन में देख लीजिए, बहुत सारे देशों में चल रही है, तो रेफ्यूजीज होते हैं वहाँ पे, और वो सीरिया में फॉर एग्जांपल, तो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे हम मनाते हैं जून 20 को, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस बार इन्होंने एक पेटिशन भी लॉन्च करा, हैशटैग विद रेफ्यूजीज, ये यूनाइटेड नेशंस ने लॉन्च करा। ओलंपिक डे, ये हर साल हम 23 जून को मनाते हैं। ओलंपिक डे सबसे पहली बार कब मनाया गया था, सबसे पहली बार मनाया गया था 1948 में, और ओलंपिक स्टार्ट हुए थे 1896 में। इसे एक व्यक्ति थे जिनका नाम है, जिन्हें ओलंपिक का हम फाउंडर भी बोलते हैं, बैरॉन पियर दे कॉबर्टिन, पियर दे कॉबर्टिन नाम का व्यक्ति था जिन्होंने ओलंपिक खेल शुरू करे थे। सबसे पहले ओलंपिक खेल खेले गए थे एथेंस में, जो ग्रीस की राजधानी है, एथेंस, एथेंस में दोबारा हुए थे 2004 के अंदर, लेकिन सबसे पहली बार हुए थे एथेंस में ओलंपिक डे। इनमें से किस व्यक्ति को बीजू पटनायक अवार्ड मिला है साइंस में एक्सीलेंस के लिए, साइंटिफिक एक्सीलेंस के लिए अवार्ड मिला, ललित मोहन दास को, ललित मोहन दास, उड़ीसा की सरकार ने यह अवार्ड दिया। इसके अलावा और भी बहुत अवार्ड है लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे समंत चंद्र शेखर अवार्ड, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन अवार्ड है वो है बीजू पटनायक अवार्ड, और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, और गवर्नर मैं बता चुका हूं डॉक्टर SC जामिर। कैबिनेट ने अभी अभी अप्रूवल दिया अपना, नेदरलैंड्स के साथ एक MOU साइन हुआ है, किस फील्ड में, तो ये हमने किया है वाटर मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट के, और हमारी जो मिनिस्ट्री है वाटर मैनेजमेंट की, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुविनेशन, उसकी मिनिस्टर है उमा भारती। नेदरलैंड को हम हॉलैंड भी बोलते हैं, और इस देश में रहने वाले लोगों को बोलते हैं डच, डच, ये भी याद रखिए, इसकी करेंसी है यूरो, और कैपिटल है एम्स्टरडैम। अभी अभी एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स द 2017 रिविजन बाय UN। भारत की पॉपुलेशन, याद रखिए, चाइना से ज्यादा हो जाएगी, कौन से साल में, ये कहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट ने, तो ये साल है 2024, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 2050 में हो जाएगी 980 करोड़, याद रखिए 980 करोड़, 2030 तक अगर मैं कहूं तो हम पूरी दुनिया की पॉपुलेशन हो जाएगी 860 करोड़, और अभी है 760 करोड़, तो लोग पूछे भाई दुनिया में कितने लोग रहते हैं, 760 करोड़ रहते हैं, और चाइना में अभी रहते हैं 141 करोड़ और भारत में 134 करोड़, लेकिन हम चाइना से आगे निकल जाएंगे 2024 तक। स्पाइस जेट जो विमान कंपनी है, स्पाइस जेट फ्लाइट्स, कमर्शियल फ्लाइट्स देती है, स्पाइस जेट ने अभी अभी इनमें से कौन सी कंपनी के साथ टाई अप किया है, ये इस कंपनी से 50 Q400 एयरक्राफ्ट खरीदेगी, टोटल पैसा लगाएगी लगभग 11,000 करोड़ रुपए, यानी $1.7 बिलियन। तो कितने प्लेन खरीदेगी, 50, और कौन सी कंपनी से खरीदेगी, तो ये खरीदेगी बॉम्बार्डियर से, बॉम्बार्डियर, याद रखिए, स्पाइस जेट के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका नाम है अजय सिंह, अजय सिंह, और ये जो 50 हैं एयरक्राफ्ट, इनमें 86 लोग बैठ सकते हैं, तो बहुत कम लोग बैठ सकते हैं, छोटे शहरों के लिए ये डिसीजन लिया गया है। इनमें से कौन सी भारत की फिल्म है जिसने शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जीता, बेस्ट एक्शन मूवी, सबसे अच्छी एक्शन मूवी, इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अली अब्बास जफर, इस फिल्म का नाम है सुल्तान, सुल्तान, और याद रखिए ये पहली बॉलीवुड फिल्म है जिसे अवार्ड मिला है, तो ये भी याद रखिए, और इन्हें ये अवार्ड मिला जैकी चैन एक्शन मूवी वीक सेक्शन में, यानी कि जो बेस्ट एक्शन मूवी है उसका नाम इन्होंने जैकी चैन दिया हुआ है। जैकी चैन ने अभी अभी एक फिल्म भी भारत में बनाई थी, कुंग फू योगा, इसमें भारत के एक एक्टर ने काम किया था, सोनू सूद। अब एक बात और आपसे एक सवाल पूछता हूँ, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है, एक देश के राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी जी को कहा कि उन्हें दंगल पिक्चर बहुत पसंद आई थी, क्या आप उस राष्ट्रपति और उस देश का नाम बता सकते हैं, कौन से देश के राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी जी से वो मिले थे अभी अभी और उन्होंने कहा मुझे दंगल फिल्म बहुत पसंद आई, तो कमेंट्स में लिख के बताइए। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अभी कितने सैटेलाइट लॉन्च करे हैं कार्टोसैट 2 के साथ सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो श्रीहरिकोटा में है आंध्र प्रदेश में, तो ये बताइए आप कितने सैटेलाइट लॉन्च करे हैं, टोटल नंबर है 31, 30 ये और एक कार्टोसैट, तो टोटल होगा 31। और कार्टोसैट है क्या, ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, ये भी याद रखिए, इसका वजन है 712 kg, और ये PSLV से लॉन्च हुआ है,
हर बार की तरह यह 40वीं फ्लाइट थी पीएसएलवी की, यह भी याद रखिए। इसके अलावा 30 जो हैं बाकी वो नैनो सैटेलाइट हैं, जिनमें एक इंडियन है और 29 विदेशी हैं। इसरो के चेयरमैन आपसे पूछ सकते हैं, तो वो एएस किरण कुमार है। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने लॉन्च करा है भारत का पहला स्वनिर्मित खुद का बनाया हुआ फ्लोटिंग डॉक, जिसे हम बोलते हैं FDN2, क्योंकि भारत के जो हमारी जल सेना में शिप्स यूज होते हैं, जहाज यूज होते हैं, उनको रिपेयर करने के लिए हमें कुछ चाहिए था, तो इसके लिए फ्लोटिंग डॉक किया गया है। इस पर जहाज आएंगे और उनको रिपेयर किया जाएगा, तो ये कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो, जिसमें गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा थोड़ा सा डाइल्यूट करा है, और ये पहला नेवी का प्रोजेक्ट है जो एलएनटी को मिला है। एक 70 मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रेड, जिसे बोलते हैं BOT इन शॉर्ट, ये मीटिंग हुई थी जिसे चेयरमैन जिसकी चेयरमैनशिप करी निर्मला सीतारमन, जो हमारी कॉमर्स मिनिस्टर है, उन्होंने कॉमर्स एंड ट्रेड के लिए मिनिस्टर है हमारी निर्मला सीतारमन। ये मीटिंग कहां पे हुई थी? BOT मीटिंग। ये अभी अभी हुई थी नई दिल्ली में। इसमें इस बात पे चर्चा की गई कि हम अपने निर्यात किस तरह बढ़ा सकते हैं। भारत की पहली वुमेन कौन है जो WWE में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में पार्टिसिपेट किया। ये हम पहले पावर लिफ्टिंग करती थी और साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं। इनका नाम है कविता देवी। कविता देवी। इनमें से कौन सा देश है जिसने अभी अभी एक रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू करा है टू कंपाइल डेटा ऑन साउथ चाइना सी, यानी जो दक्षिण चीनी सागर है उसका डेटा कंपाइल करना स्टार्ट करा है? ये कौन सा देश है? ये देश है चाइना। चाइना दक्षिण चीनी सागर में अपना आधिपत्य जमाना चाहता है और बहुत सारे टेंशन चल रहे हैं बहुत सारे देशों से इसके। 1950 से लेके इन्होंने स्टार्ट किया है, जितना भी डेटा है अभी उसको कंपाइल करेगा। इसमें वो ये देखेगा कि इसमें पर्यावरण में क्या चेंजेस आए हैं, एनवायरमेंट में, रिसोर्सेज में क्या चेंजेस आए हैं साउथ चाइना सी के अंदर। सरकार ने एंटी इमरजेंसी डे किस दिन रखा? इमरजेंसी लगी थी 1975 में, इंदिरा गांधी ने लगाई थी, और फिर उसके बाद चुनाव हुए थे जिसमें इंदिरा गांधी की हार हुई थी, जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व किया था और हमारे प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, ये सब आपको पता ही होगा। तो जून 25 और 26 इन्हें रखा है एंटी इमरजेंसी डे। बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी BIO इंटरनेशनल कन्वेंशन डे 2017, ये अभी अभी कहां पे मनाया गया था? BIO यानी बायोलॉजी इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल कन्वेंशन 2017 अभी अभी हुआ सैन डिएगो, और सैन डिएगो कहां पर है? अमेरिका में, USA के अंदर। रिलायंस डिफेंस एम्यूनिशन, इसने एक एग्रीमेंट साइन किया है, ये बारूद बनाएगा, एम्यूनिशन बनाएगा, हथियार बनाएगा भारत में। और आप ये बताइए कि ये जो यूगो इंपोर्ट नाम की एक कंपनी है उसके साथ मिलके बनाएगा, तो ये जो यूगो इंपोर्ट कंपनी है ये कहाँ की है? यूगो इंपोर्ट कंपनी है सर्बिया की। सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, और सर्बिया के एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी भी हैं नोवाक जोकोविच, जो टेनिस खेलते हैं। तो ये कंपनी के चेयरमैन अनिल अंबानी है रिलायंस डिफेंस एम्यूनिशन के, और ये दोनों मिलके हमारी सेना के लिए आर्म्स बनाएंगे, एम्यूनिशन बनाएंगे। इनमें से कौन से दो देश हैं जिन्होंने अभी अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ज्वाइन कर लिया है एज फुल टाइम मेंबर्स? ये ICC की एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, उसमें यह निर्णय लिया गया। ये दो देश कौन से हैं? इनका नाम है आयरलैंड और अफगानिस्तान। आयरलैंड और अफगानिस्तान, सो आंसर है 1 और 2। और अब टोटल जो फुल टाइम मेंबर है वो हो गए हैं 12। यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि अभी एक देश टेस्ट मैच खेल सकते हैं। ICC का हेडक्वार्टर है दुबई में। ICC के CEO हैं देव रिचर्डसन। आपके लिए आपका आज का दूसरा सवाल, देव रिचर्डसन कौन से देश के हैं? कमेंट्स में लिख के बताइए। अमृतपाल, इनका निधन हो गया, ये मशहूर क्या थे? तो ये विलेन की भूमिका निभाते थे फिल्मों में, तो आंसर है एक्टर, ये थे एक्टर। हमारी केंद्र सरकार ने अभी अभी एक MOU साइन किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ, याद रखिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं मेलकॉम टर्नबुल। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन से फील्ड में हमने MOU साइन किया है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमने किया है टेक्सटाइल, और हमारी कपड़ा मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। फाइनल लोकेशन सर्वे, ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे ट्रैक बनेगा, बनना शुरू ही हो रहा है, तो कहां पे बनेगा? इसके लिए फाइनल लोकेशन सर्वे हो रहा है, यानी किस जगह पे ये बनेगा? तो ये भारत में बनेगा, याद रखिए दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ट्रैक बनेगा, और 498 किलोमीटर ये लंबा होगा, बिलासपुर से मनाली से लेह, इसकी हाइट होगी 3300 मीटर, और ये चाइना का जो अभी है, जो चाइना के किंग जाई से तिब्बत तक जाता है, उससे भी बहुत ऊंचा होगा, 157 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। हमारे रेलवे मंत्री हैं सुरेश प्रभु। 2017 का कैंपेन डे ऑफ द सी फेयरर, ये सेलिब्रेट किया जाता है
इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। अब आप ये बताइए, ये जून 25 को सेलिब्रेट होता है, तो इस पर इसका थीम क्या था? डे ऑफ द सी फेयरर। ये सी फेयरर मैटर, यानी कि जो समुद्र में फेयरिंग करते हैं उनकी जिंदगी भी मैटर करती है, वो मैटर करते हैं, ये थीम था, सी फेयरर्स मैटर। भारत ने अभी अभी एक एमओयू साइन किया है, इनमें से कौन से देश के साथ? कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ आर्काइव्स। आर्काइव्स होते हैं जो पुरानी फाइलें होती हैं, पुराना डेटा होता है जिसको कंपाइल किया जाता है, उन्हें आर्काइव्स बोलते हैं। उसमें हम आपसी सहयोग करेंगे, इनमें से कौन से देश के साथ? ये देश है पुर्तगाल। पुर्तगाल जो है, भारत ने इसके साथ 11 एमओयू साइन किए हैं। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, करेंसी यूरो है, और एक बात और याद रखिए, पुर्तगाल के इस वक्त जो यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी पुर्तगाल के हैं, जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। पुर्तगाल के एक मशहूर खिलाड़ी भी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। भारत इनमें से काम कर रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बना रहा है, इसका नाम भारत ने रखा है 30 मीटर टेलीस्कोप। ये प्रोजेक्ट भारत 4 देशों के साथ ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहा है। आप ये बताइए, भारत इसमें कितना खर्चा कर रहा है? टोटल इसमें खर्चा होगा 1300 करोड़ रुपए। और 4 देश कौन से हैं जो भारत के साथ हैं? अमेरिका है, कनाडा है, भारत के दोस्त जापान और चाइना भी इसका हिस्सा है। और ऐसा माना जा रहा है कि लद्दाख में लगाया जाएगा, हैनल नाम की जगह है लद्दाख में, वहां पर लगाया जाएगा। और हमारे साइंस मंत्री कौन है? साइंस और तकनीक, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। और एक बात याद रखिए डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में, कि जब हमारे पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे का निधन हो गया, उसके बाद इन्हें एडिशनल चार्ज भी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का दिया गया है। इनमें से किस व्यक्ति ने भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है? तो इनका नाम है अनिल कुंबले। अनिल कुंबले ने इस्तीफा दे दिया है। इतना ही नहीं, श्रीलंका के जो कोच हैं ग्राहम फोर्ड, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं वेंकैया नायडू, उन्होंने अभी अभी इनॉग्रेट किया होम्स फॉर ऑल प्रॉपर्टी शो। तो ये होम्स फॉर ऑल प्रॉपर्टी शो, ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? ये इनॉग्रेट किया गया अहमदाबाद में, जो गुजरात में है। अहमदाबाद का पुराना नाम था कर्णावती, और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने अवार्ड जीता फॉर कंस्ट्रक्टिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ रूरल रोड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट? यानी कि रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय ने सबसे ज्यादा रूरल रोड्स बनाने के लिए कौन से राज्य को सम्मानित किया? ये करके दिखाया बिहार ने। बिहार में बने सबसे ज्यादा रूरल रोड। और हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, ये हैं। इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने योगा को बहुत ज्यादा प्रमोट करा है? इसके लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला इन्हें, प्राइम मिनिस्टर से पुरस्कार मिला, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, यानी योगा को प्रमोट करने के लिए इनके योगदान के लिए। इस इंस्टीट्यूट का नाम है राममणि अयंगर मेमोरियल, पुणे के अंदर है ये, पुणे। सरकार ने अभी अभी अप्रूव करा एक प्रपोजल, एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहां पे बनेगा? ये बनेगा जेवार में, नोएडा के अंदर। नोएडा है उत्तर प्रदेश के अंदर। 5 से 6 साल का समय है, उसमें ये ऑपरेशनल हो जाएगा। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी सेबी, जो मार्केट रेगुलेटर है, उसने अभी अभी अपने जो रूल्स हैं उनको थोड़ा उदार कर दिया, रिलैक्स कर दिया। किस चीज के लिए? ये इन्होंने किया है स्ट्रेस्ड एसेट्स एक्विजिशन के लिए, SAA, स्ट्रेस्ड एसेट्स एक्विजिशन के लिए। और सेबी के जो चेयरमैन है वो है मिस्टर अजय त्यागी। नासा ने अभी अभी लॉन्च करा वर्ल्ड का सबसे हल्का सैटेलाइट, इसका वजन है सिर्फ 64 ग्राम। तो इसको कौन से देश के स्टूडेंट्स ने बनाया है? इसको बनाया है इंडिया के बच्चों ने, और इसका नाम इन्होंने रखा है एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पे, कलाम सेट। बच्चे का नाम है रिफात शरूक, और इसके साथ और भी टीम थी इसकी पूरी, तो ये भी याद रखिए। इनमें से यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, यानी यूनिसेफ, इसने गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया है? और ये सबसे यंग पर्सन है जिन्हें गुडविल एम्बेसडर बनाया है। इनका नाम है मजून अल महलन। ये नाम याद रखिए, ये पहली पर्सन है, 19 साल की ये है लड़की सिर्फ, और ये पहली पर्सन है जिसे ऑफिशियल रेफ्यूजी स्टेटस मिला हुआ है, जो एम्बेसडर बनी है यूनिसेफ की। और यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एंथोनी लेक, ये भी याद रखिए। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क। बाल्डविन लॉन्स डाले, इनका निधन हो गया। ये कौन से देश के राष्ट्रपति थे? इस देश की राजधानी है पोर्ट विला, क्या आप बता सकते हैं आप? चलिए, इस देश की मुद्रा है
वानुआटू, वाटू, तो ये देश है वानुआटू। इनमें से कौन से राज्य के हेल्थ मिनिस्टर लाल थंजारा, उन्होंने अभी अभी लॉन्च करा है टेस्ट एंड ट्रीट स्ट्रेटेजी एचआईवी से निपटने के लिए, एड्स से निपटने के लिए, ये किया मिजोरम के हेल्थ मिनिस्टर ने। मिजोरम की राजधानी है आइजवाल और मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं पू लाल थानवाला, गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा। विंसी क्वाड्रॉस और अमय नायक, इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। ये कौन सी भाषा में लिखते हैं? विंसी क्वाड्रॉस और अमय नायक ये लिखते हैं कोंकणी के अंदर, कोंकणी के अंदर। और जो क्वाड्रॉस हैं, इन्हें बाल साहित्य पुरस्कार मिला इनकी किताब के लिए, जिनका नाम है जादू छे पैटुल, जादू छे पैटुल। और जो नायक हैं, इन्हें युवा पुरस्कार मिला 2017, इनकी पोएट्री कलेक्शन है जिसका नाम है mog.com। तो नायक को मिला युवा पुरस्कार और विंसी क्वाड्रॉस को मिला बाल साहित्य पुरस्कार। और इसके अलावा 24 अवार्डीज हैं जो 23 भाषाओं में भारत की लिखते हैं और इंग्लिश में लिखते हैं, इन्हें इनके नाम अनाउंस किए गए हैं। पहला 50 मेगावाट क्षमता का, 100 मेगावाट टोटल लगाया जाएगा, उसका पहला 50 मेगावाट लगा दिया गया है साइंज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, यानी जो पानी से बिजली बनाई जाती है उसका प्रोजेक्ट लगा है। ये कहां पे अभी अभी लगाया गया है? ये 50 मेगावाट टोटल 100 का है, तो बाकी 50 बाद में लगाया जाएगा। ये लगा कौन सी नदी पे है, ये मैं आपको बता देता हूं। नदी का नाम है साइंज नदी, ये ब्यास नदी की एक सहायक नदी है, ब्यास नदी जो हिमाचल प्रदेश में बहती है, तो आंसर है हिमाचल प्रदेश। वैसे ब्यास नदी पंजाब में भी बहती है और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वीरभद्र सिंह। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने कोची मेट्रो रेल के साथ पार्टनरशिप करी है? अब कोची मेट्रो में कॉन्टैक्टलेस मेट्रो कार्ड चलेगा जिसका नाम है कोची वन, तो ये बैंक उसको इंप्लीमेंट करेगा। ये बैंक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ये कार्ड डेवलप करा है और जो एक्सिस बैंक है इसकी सीईओ है शिखा शर्मा। ये एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं अशोक गजपति राजू, उन्होंने अभी अभी अनाउंस करा है कि भारत में 33 ऐसे जगह हैं, डेस्टिनेशन हैं, जिन्हें उड़ान स्कीम के तहत कनेक्ट किया जाएगा उड़े देश का आम नागरिक। कब तक किया जाएगा ये बताइए? ये किया जाएगा सितंबर 2017 तक। इनमें से कौन सी स्पोर्ट्स की गवर्निंग बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने अपना नाम बदल दिया है? पहले इसका नाम था वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन, अब नाम है सिर्फ वर्ल्ड ताइक्वांडो, तो फेडरेशन हटा दिया है। और वर्ल्ड ताइक्वांडो का जो हेडक्वार्टर है वो है साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया। जो होम मिनिस्ट्री है, हमारा जो गृह मंत्रालय है, उसने अभी अभी नोटिफाई किया कि आधार जो है ये एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट नहीं है उन भारतीयों के लिए जो इनमें से कौन से देशों में जाएंगे उनके लिए। तो ये दो देश है, नेपाल और भूटान, नेपाल और भूटान। अगर आपके पास इलेक्शन आईडी कार्ड है या आपके पास पासपोर्ट है, वैलिड पासपोर्ट है, तो आपको इन देशों में जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है, लेकिन आधार नहीं। आपको या तो इलेक्शन कार्ड चाहिए या पासपोर्ट चाहिए नेपाल या भूटान जाने के लिए, अगर बिना वीजा के आप जा सकते हैं। तो आंसर है नेपाल और भूटान, यानी 1 और 4। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वज्र स्कीम लॉन्च करी है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। वज्र स्कीम किसके लिए की है? वज्र की फुल फॉर्म क्या है? वज्र की फुल फॉर्म है विजिटिंग एडवांस्ड जॉइंट रिसर्च फैकल्टी, विजिटिंग एडवांस्ड जॉइंट रिसर्च फैकल्टी। कहने का मतलब यह है कि वो भारतीय साइंटिस्ट जो बाहर काम कर रहे हैं, उन्हें भारत के जो साइंटिस्ट हैं तो उनसे मिलवाओ, जिससे हम भी कुछ सीखें, तो दोनों मिलकर काम करें। तो इसके लिए किया गया है वज्र स्कीम। तो आंसर है इसका एनआरआई साइंटिस्ट के लिए। इनमें से आईसीसी का डेप्यूटी चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? आईसीसी का डेप्यूटी चेयरमैन, आईसीसी के अंदर 105 मेंबर हैं, जिनमें से 12 फुल टाइम मेंबर हैं, 37 एसोसिएट मेंबर हैं और 56 एफिलिएट मेंबर हैं। आईसीसी के डेप्यूटी चेयरमैन होंगे इमरान ख्वाजा। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने अभी अभी यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड जीता? कन्याश्री परकल्प इनकी योजना थी उसके लिए, कन्याश्री परकल्प, ये अवार्ड जीता वेस्ट बंगाल ने। यह सेरेमनी हुई थी हैग स्विट्जरलैंड के अंदर, वहां पे ममता बनर्जी को पुरस्कार दिया गया। इनमें से कौन सी म्युनिसिपैलिटी है
जिसने लॉन्च करा है भारत का सबसे बड़ा म्युनिसिपल बॉन्ड्स प्रोग्राम। म्युनिसिपल बॉन्ड्स प्रोग्राम क्योंकि ये 5 साल में 2,264 करोड़ रुपए रेज करना चाहते हैं। पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये स्टार्ट करा है और इसको वेंकैया नायडू ने लॉन्च करा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने क्लियर टैक्स नाम की कंपनी के साथ टाई अप किया है? ये जो सेलर हैं, जो विक्रेता हैं, उन्हें जीएसटी को इंप्लीमेंट करने में मदद करेगी। तो ये कंपनी है अमेजॉन और cleartax.com के फाउंडर हैं अर्चित गुप्ता और अमेजॉन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस। वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है बीजिंग के अंदर, इन्होंने भारत को $380 मिलियन का लोन दिया है। कौन से राज्य के पावर प्रोजेक्ट के लिए दिया है? ये है आंध्र प्रदेश के लिए। इसमें 60% पैसा वर्ल्ड बैंक दे रहा है और 40% 380 मिलियन में से दे रहा है AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर बीजिंग में है, लेकिन इसके प्रेसिडेंट हैं जिन लीकन, जो चाइना के पूर्व वित्त मंत्री हैं। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं ES लक्ष्मी नरसिम्हा। आंध्र प्रदेश के गवर्नर भी सेम है और तेलंगाना के भी सेम है, तो दोनों याद रख सकते हैं आप, दोनों के एक ही हैं, ES लक्ष्मी नरसिम्हा। भारत के कौन से बिजनेसमैन हैं जिन्हें कार्नेजी मेडल ऑफ फिलेंथ्रोपी से सम्मानित किया गया है? फिलेंथ्रोपी मतलब होता है चैरिटी, यानी अपना धन देना समाज के विकास के लिए, समाज उत्थान के लिए परमार्थ करना। तो अजीम प्रेम जी हैं ये, विप्रो कंपनी के फाउंडर अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन जो है ये 7 राज्यों में 3 लाख स्कूल को इन्होंने फंड किया हुआ है। इनमें से कौन सा राज्य है जिसे नेशनल अवार्ड मिला क्योंकि इसने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए मिशन अमृत के तहत, यानी अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत? ये राज्य, इसको सेकेंड ईयर इन अ रो, यानी दूसरी बार लगातार ये पुरस्कार मिला है। ये राज्य है छत्तीसगढ़। इसके मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमन सिंह और गवर्नर हैं बलराम जी दास टंडन। छत्तीसगढ़ के गवर्नर बहुत लोगों को नहीं पता होता, बलराम जी दास टंडन। और 25 करोड़ रुपए का अवार्ड इन्होंने इन्हें मिला अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर वेंकैया नायडू से। कैबिनेट ने अभी अभी अप्रूव करा है, इनमें से कौन से देश के साथ हम सहयोग करेंगे होम्योपैथी में और मेडिसिन में, यानी दूसरे जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उनानी सिद्ध, होम्योपैथी, आयुर्वेद वगैरह, इनमें हम कौन से देश के साथ सहयोग करेंगे? ये देश है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरी कोट्टे। और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? मैत्री पैला श्री सेना, वेरी इंपॉर्टेंट। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है ये आप कमेंट्स में लिख के बताइए, कमेंट्स में लिख के बताइए श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है। राष्ट्रपति तो मैंने बता दिए, मैत्री पैला श्री सेना। भारत इनमें से एक रोड मैप तैयार कर रहा है, इनमें से कौन से देश के साथ सुरक्षा में, डिफेंस कॉपरेशन में, यानी डिफेंस कॉपरेशन भारत इनमें से कौन से देश के साथ कर रहा है? ये देश है रशिया। और अभी अभी 17वीं भारत और रशिया के बीच में गवर्नमेंटल कमीशन की, जो मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन की मीटिंग हुई थी रशिया की राजधानी मॉस्को में। अरुण जेटली भारत के रक्षा मंत्री हैं इस वक्त, उन्होंने रशिया में पार्टिसिपेट किया था। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट चैंपियनशिप किसने जीती? ये WWE मनी इन द बैंक, ये हुई थी सेंट लुई मिसूरी में। तो WWE चैंपियनशिप जीती जिंदर महल ने, जिंदर महल, और इन्होंने हराया रैंडी ऑर्टन को। इनमें से इस किताब के ऑथर कौन है? द अमरजेंसी इंडिया डेमोक्रेसी डार्केस्ट आवर, यानी जो अमरजेंसी थी, जो आपात लगाया था, वो भारत का सबसे डार्केस्ट आवर था, यानी सबसे काला दिन था एक तरह से। इसको लॉन्च करा हमारे सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने। इस किताब को लिखा है सूर्य प्रकाश ने। और ये है कौन? ये चेयरमैन है प्रसार भारती के। इनमें से किसको, कौन सा स्पोर्ट्समैन है, खिलाड़ी है, जिसे मिला है बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी? और ये अवार्ड दिया स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। ये खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु, ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता। और बेस्ट टीम ऑफ द ईयर ये हमारा जो जूनियर हॉकी स्क्वाड है उसे मिला, क्योंकि हम उन्होंने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जीता था। फिच के हिसाब से भारत की जो GDP है वो 2018-19 यानी अगले फिस्कल में कितने परसेंट ग्रो करेगी? फिच के हिसाब से हम ग्रो करेंगे 7.5%, और उससे अगले साल यानी 2019-20 यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 में हम ग्रो करेंगे 7.6%। फिच अमेरिका की कंपनी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है एक तरह से, और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इनमें से किसने, कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने एक सैटेलाइट बेस्ड चिप सिस्टम डेवलप करा है जो
वो लोग जो रोड पे चल रहे हैं उन्हें उस बात की चेतावनी देगा कि आगे एक अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग है, यानी कि कई बार कोई रास्ता ऐसा खुला होता है हम वो क्रॉस कर लेते हैं लेकिन वो अनमैन्ड होता है, यानी वहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं होता जो हमें चेतावनी दे सके। तो अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग की चेतावनी देगा ये सैटेलाइट बेस्ड चिप सिस्टम। इसको डेवलप करा है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल अभी अभी हुआ, इनमें से कौन से उत्तर पूर्वी राज्य के शहर में? ये राज्य है असम और शहर है गुवाहाटी। ये पहला फेस्टिवल था, इसका नाम रखा गया गुवाहाटी इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल। टोटल 27 डॉक्यूमेंट्री इसमें दिखाई गई। इनमें से कौन सा देश है जिसने अभी अभी डेवलप करा है एक सुपर कंडक्टिव मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्शन अरे? ये दुनिया का सबसे पावरफुल सब मैरिन डिटेक्टर है, यानी पनडुब्बी को आसानी से पकड़ लेगा और ये सबसे पावरफुल है। इसको डेवलप करा चाइना ने, आंसर है चाइना। चाइना की करेंसी है रेन मिनबी या युआन और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। एस्टोनिया ने इनमें से कौन से देश के साथ पार्टनरशिप करी है? ये दुनिया का पहला डेटा एम्बेसी बना रहे हैं, इसके लिए एस्टोनिया ने पार्टनरशिप करी है लग्जमबर्ग के साथ। लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग की राजधानी है लग्जमबर्ग सिटी और करेंसी है यूरो। एस्टोनिया की राजधानी है टलिन और करेंसी है यूरो। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के कौन सा क्रिकेट प्लेयर है जिसने अपना अनाउंसमेंट किया, रिटायरमेंट किया कि वो रिटायर कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर है और इनका नाम है ल्यूक रॉन्ची। याद रखिए ये पहले खिलाड़ी थे कीपलर वेसल्स, ये पहले खिलाड़ी थे जो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी खेले और न्यूजीलैंड के लिए भी खेले, और ल्यूक रॉन्ची सिर्फ दूसरे खिलाड़ी हैं जो न्यूजीलैंड के लिए भी खेले और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी खेले। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2017 ये कहां पे होगा? आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2017 इसमें दुनिया की टॉप 8 टीम्स खेलेंगी इंग्लैंड के अंदर। इनमें से कौन से राज्य हैं जो चौथा राज्य बना ओपन डिफिकेशन फ्री घोषित करने वाला और पांचवा बना? ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी खुले में शौच नहीं होगी इस राज्य में, खुले में शौच मुक्त ये राज्य हो गए हैं। चौथे नंबर का और पांचवें नंबर का राज्य कौन सा हुआ? तो ये राज्य हैं उत्तराखंड और हरियाणा। उत्तराखंड चौथा और हरियाणा पांचवा। सो आंसर है 3 और 4। अब आपके लिए आज का तीसरा सवाल, पहला राज्य कौन सा था जो ओपन डिफिकेशन फ्री था भारत के अंदर? और मैं आपको इससे पहले जो तीन राज्य हैं वो बता देता हूँ कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और केरल। अब आप ये बताइए हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और केरल में से पहला कौन सा था जो खुले में शौच मुक्त हुआ? सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड, ये सातवां एशियन अवार्ड हुए लंदन के अंदर, उसमें सोशल एंटरप्रेन्योर मतलब कोई ऐसा बिजनेसमैन जो समाज के लिए भी काम करता है, समाज में बदलाव लाता है उसका बिजनेस, तो सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला निशा दत्त को। निशा दत्त कौन है? एक कंपनी है जिसका नाम है इंटेल कैप, उसकी सीईओ है और ये पहली महिला है जिन्हें ये सम्मान मिला है। ईपीएफओ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अभी इनमें से कौन सी संस्था के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है? ये संस्था ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये सब्सिडी देंगे 2.67 लाख की, क्रेडिट लिंक सब्सिडी, और ये मिलेगी हडको द्वारा, HUDCO द्वारा। और हमारे जो लेबर मिनिस्टर हैं, श्रम मंत्री, वो है बंदारू दत्तात्रेया, ये भी याद रखिए। इनमें से मन्नापुरम होम फाइनेंस नाम की कंपनी ने अपना मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? मन्नापुरम होम फाइनेंस, इनका नाम है जीवनदास नारायण। ये एक सिंपल क्वेश्चन, आप इसे रट सकते हैं। हमारा जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके हिसाब से जो पेशेंट्स हैं उन्हें अगर वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो उन्हें अपना जो आधार कार्ड की डिटेल है वो दिखानी पड़ेगी, तभी वो उन्हें सब्सिडी मिलेगी, कैश असिस्टेंस मिलेगी। कौन से रोग के लिए किया गया है ये? कौन से रोग के लिए अगर आप गवर्नमेंट स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो आधार कार्ड की डिटेल दीजिए तो आपको कैश असिस्टेंस दिया जाएगा? ये रोग है ट्यूबरकुलोसिस, फेफड़ों का रोग होता है, बहुत ही डेंजरस और भारत में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है ट्यूबरकुलोसिस। और हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा। एक और इंपॉर्टेंट बात ये बता देता हूँ इसमें कि अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस का डायग्नोसिस चाहिए या ट्रीटमेंट चाहिए तो कोई भी हॉस्पिटल आपको मना नहीं कर सकता अगर आप आधार कार्ड अपना दिखा देते हैं तो। इनमें से IDFC लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? ये रिप्लेस करेंगे विक्रम लिमाए को। विक्रम लिमाए जो हैं ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बन गए हैं, तो ये नाम याद रखिए विक्रम लिमाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब होंगे ये सुनील कक्कर। ऑपरेशन स्वर्ण
ये शुरू करा है हमारे रेलवे मंत्री ने। इनमें कौन सी दो रेलगाड़ियां हैं जिनकी सर्विसेज इंप्रूव करी जाएंगी, ट्रेन के अंदर उनको बेहतर बनाया जाएगा ऑपरेशन स्वान के तहत। ये रेलगाड़ी है राजधानी और शताब्दी, 1 और 2 फास्ट ट्रेन है राजधानी और शताब्दी। तो पहले मुंबई दिल्ली से राजधानी जो चलती है और मुंबई अहमदाबाद शताब्दी है, इनको सिलेक्ट किया गया है। 50 लाख रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे एक ट्रेन के ऊपर। कितना अमाउंट है लोन का जो वर्ल्ड बैंक दे रहा है असम स्टेट पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स प्रोजेक्ट को? असम राज्य का ये प्रोजेक्ट है, असम स्टेट पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, उसके लिए वर्ल्ड बैंक कितना लोन दे रहा है? वर्ल्ड बैंक की तरफ से असम को लोन मिला है, असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। टोटल अमाउंट मिला है $44 मिलियन। इनमें से कौन सा देश है जिसने डिपेंडेंट फी लगा दी है अपने एक्सपेट्रिएट्स के ऊपर? कहने का मतलब जो विदेशी इस देश में रह रहे हैं वो एक डिपेंडेंट फी भरेंगे, एक टैक्स भरेंगे स्पेशल, और ये होगा 100 रियाल पर इंडिपेंडेंट पर मंथ, यानी एक व्यक्ति को 100 रियाल देना पड़ेगा एक महीने के लिए एक व्यक्ति के लिए। तो ये किया है सऊदी अरेबिया ने, यही की करेंसी है रियाल। इनमें से कौन सी एयरलाइन है जिसे पूरी दुनिया की सबसे अच्छी एयरलाइन का अवार्ड मिला स्काई ट्रैक 2017 वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स में? ये एयरलाइन है कतर एयरवेज। और एक एयरलाइन है जिसको बोलते हैं एयर एशिया, इसको अवार्ड मिला बेस्ट लो कॉस्ट, यानी सबसे सस्ती जो एयरलाइन होती हैं सबसे अच्छी उस कैटेगरी में, बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन। और जो एतिहाद एयरवेज है इसको मिला है बेस्ट फर्स्ट क्लास एयरलाइन का अवार्ड। और सबसे बेस्ट एयरलाइन कौन सी है दुनिया की? कतर एयरवे। और दूसरे नंबर पे है सिंगापुर एयरलाइन। हु इज द फर्स्ट मेल चाइना मैन बॉलर टू प्ले फॉर इंडिया इन वन डे? यानी भारत का पहला मेल चाइना मैन बॉलर कौन है जो भारत के लिए खेल रहा है? तो इनका नाम है कुलदीप यादव। चाइना मैन का मतलब ये होता है लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर, जो ऑफ स्पिन करते हैं उनको बोलते हैं चाइना मैन बॉलर। और ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने अभी अपना डेब्यू किया, और सबसे पहले थे वेस्ट इंडीज के एलिस अचोंग। और बस इतना याद रखिए आप, उसको बोलते हैं चाइना मैन बॉलर, यानी लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट हेड ऑफ यूनाइटेड नेशंस काउंटर टेररिज्म सेंटर? संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक टेररिज्म से, आतंकवाद से निपटने के लिए काउंटर टेररिज्म सेंटर बनाया है, इसका पहला हेड कौन है? इसके पहले हेड है और इनका नाम है व्लादिमीर वोरोंकोव, रशिया के हैं ये। तो ये थे इस हफ्ते के सबसे बेस्ट क्वेश्चन 137। आप इनको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से करिए। ये वीडियो इंग्लिश में भी उपलब्ध होगा, और भाग दो यानी 25 से 30 जून तक के क्वेश्चन मैं 1 जुलाई को आप तक लेकर आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।